I'm going to sit on his lap and die. And I can see ki mom ne breakfast bana liya hai without me. I didn't help. Main so rahi thi. Good morning. Yeah. Maine sab kuch ready kar diya hai mom ko. Mom sirf bana rahi hai. My mouth is salivating. Good morning everyone. मैं उठी हूँ and I quickly took my shower and everything. और I have come in the kitchen and I can see कि mom ने breakfast बना लिया है without me. I didn't help. मैं सो रही थी. Mom ने बनाया है पराठा और आलू की सब्जी. और dad गए थे मटन लाने. तो मटन तो मैं खाती हूँ नहीं, तो उसके साथ लिवर मैं खाती हूँ. तो लिवर लेकर आए हैं. और जो दाल वाला हम खाते हैं, मतलब मुझे पसंद है, जो लास्ट टाइम भी हमने खाया था, वो भी लेकर आए हैं डैड. बाहर गए थे तो आई शो यू द दाल वड़ा. सो दिस इज द दाल वड़ा दैट डैड गॉट फॉर मी. गुड मॉर्निंग. दिस इज व्हाट शी मेड. मॉम व्हाट इज, हाउ डिड यू मेक इट, टेल अस. तेल ले, थोड़ा थोड़ा तेल डालने का, उसमें कलंजी और मिर्ची दो तीन डाल देना, थोड़ा तीखा दिखा होगा ना, अच्छा लगेगा. फिर आलू तो मैं छिलका नहीं छोड़ी, पूरा छिलका के साथ छोटा छोटा करके काट के फिर उसी में डाल दिया. और नमक हल्दी और कुछ भी नहीं. धनिया भी तो डालती हो आप इसमें? इसमें नहीं डाला. धनिया डालो तो अलग टेस्ट हो जाएगा. धनिया किस में डालती हो, एक में डालती हो ना? नहीं, ये सब्जी में नहीं, खाली ये नमक और हल्दी. हाँ, और मिर्ची. हाँ, मतलब मिर्ची पाउडर नहीं. हाँ, मिर्ची जो कच्चा मिर्ची. हाँ देखो, जो मिर्ची होता है ना, वही वाली. दिस इज व्हाट शी मेड. ये बहुत अच्छा बनता है जो मॉम ने अभी रेसिपी दिया है. और प्रेशर कुकर में 2 मिनट में बन जाता है. इफ यू हैव किड्स और हस्बैंड, जो कि सुबह अर्ली मॉर्निंग्स बहुत हेक्टिक हो जाता है सबके लिए, यू नो, तब आप अगर पराठे बना रहे हो, दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्विक एंड ईजी सब्जी बन जाएगी आपके लिए. अभी मॉम, ओ मॉम ने पराठा नहीं बनाया. मॉम इज गोइंग टू मेक पराठा. आई वांट टू शो यू. So this is our breakfast, paratha and aloo ki sabzi. Abhi hamara khana ban raha hai. Aaj banega Arindam's favorite mutton aur mera favorite mutton ka liver. Aur ek kuch fry ban raha hai. Zyada kuch nahi banega because there is a solar eclipse I think. तो लेफ्ट ओवर नहीं होना चाहिए, तो बहुत कम बन रहा है. बनाने के लिए तो मॉम प्रॉन्स भी बनाने वाली थी, लेकिन बिकॉज देयर इज अ इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, और उसमें नहीं खाते हैं ग्रहण के बाद जो लेफ्ट ओवर रहता है, तो इसीलिए मॉम कम कम बना रही है. तो चलिए मैं आपको दिखा देती. एक करेले की फ्राई भी बन रही है. सो आई एम गोइंग टू क्विकली गो अहेड एंड शो इट टू यू कि वो क्या बन रहा है. मैंने सब कुछ रेडी कर दिया है मॉम को. मॉम सिर्फ बना रही है. तो लेट मी शो यू. सो दिस इज करेला, आलू एंड पम्पकिन. ये फ्राई बन रहा है. एंड दिस इज चावल दैट्स बीन बॉइलिंग. एंड मटन के लिए यहाँ पे है अनियन, यहाँ पे आलू. हम सब मटन कम खाते हैं और आलू बहुत सारा खाते हैं. सो आलू बहुत सारा है. एंड दिस मटन एंड दिस लीवर. लीवर है जो कि मैरिनेट कर दिया है मॉम ने. तो इसमें है अनियन, जिंजर गार्लिक एंड चिली एंड टोमेटो का पेस्ट और हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया और जीरा पाउडर और मस्टर्ड ऑयल इसमें डाल के इन्होंने मैरिनेट करने के लिए छोड़ दिया है. अब ये बन रहा है करेले की सब्जी
एंड ये एक बार हो जाए देन मॉम विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग द मटन, फिर हम खाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि डैड और अरिंदम क्या कर रहे हैं। मटन जब बनेगा आई शेयर द रेसिपी विथ यू, तब आप देख लीजिएगा। अब मैं चलती हूँ, सी यू गाइस लेटर। मैंने कैमरा रखा ही था जस्ट, और मॉम ने बनाना शुरू कर दिया मटन। सो मटन के लिए मॉम हैज एडेड मस्टर्ड ऑयल। मॉम पहले आलू फ्राई करेगी शायद। सो मॉम अभी क्या निकाल रही है? मसाला जो आपका होता है ना। हाँ जी। सब जैसा दालचीनी, थोड़ा दालचीनी, छोटा इलायची, चार जैसा लोग जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, लौंग, लौंग थोड़ा पाँच छह छोटा। अच्छा। थोड़ा सा छोटा अक्खा जीरा। अक्खा जीरा भी। उसके साथ ही एक साथ की रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब एक ही साथ जाएगा। सो दिस इज द होल स्पाइसेस दैट यू हैव टू टेम्पर द ऑयल विद। पहले आलू फ्राई होगा उसके बाद। तो आलू ऐसा हो जाना चाहिए ना ब्राउन मॉम, और ज्यादा कुक नहीं करने का, पकाना नहीं है, बस ब्राउन करना है बेसिकली। दैट्स व्हाट शी इज ट्राइंग टू से। अब मॉम उठा देंगे। चीनी डाल देने का, शुगर। हाँ शुगर डाल दे, क्योंकि इसी में क्या होता है कलर जो होते हैं ना, तो वो कैरमलाइज होके बहुत अच्छा कलर आएगा। तो पहले, ये बहुत ज्यादा यूनिक रेसिपी है, पहले मॉम इसमें डाल देंगी मटन डायरेक्टली तेल में। बेसिकली मॉम ने बोला है अभी वो सॉटे होगा फॉर अबाउट 5 to 7 minutes और 10 minutes, उसके बाद एक बार सॉटे हो जाए, क्योंकि उसमें अनियंस और टोमेटोज और जिंजर एंड गार्लिक है ना ऑलरेडी, तो थोड़ा सा मसाला पक जाए उसके बाद मैं वापस आऊंगी 10 मिनट बाद दिखाने के लिए। ठीक है, अभी चावल बन रहा है ना, सो कम बैक आफ्टर 10 मिनट। दिस इज अरिंदम बिहाइंड द सीन। I'm going to sit on his lap and die. Am I heavy? और यहाँ पे चल रहा है, this is dad's channel, जो कि चल रहा है वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। वंस आई गेट द परमिशन फ्रॉम डैड उसके बाद ही बता सकती हूँ। अब और क्या, डैड गए हैं नहाने और मैं डैड के। वाओ, ये वाला अच्छा है, वेरी कंफर्टेबल। सो अरिंदम, व्हाट एल्स इज हैपनिंग इन योर लाइफ, टेल अस, एनलाइट अस। ये झुमकी कैसी लग रही है आज? मैंने ये, हाँ ये नया झुमकी नहीं है, ये बहुत पुराना झुमकी है, बट शायद आपने मुझे पहली बार पहनते हुए देखा है। एंड दीज आर ब्यूटिफुल कुर्ती, जो मुझे, मॉम को भी बहुत पसंद है और मुझे भी। तो हाँ, एक रेड बनाऊंगी कभी, अगर जहां से बनवाया है वहां गई तो। हाँ, जब तेल ऐसे छूट जाएगा, देखिए कितना अच्छा है। तो 700 ग्राम्स ऑफ मटन है इसमें, और इसमें गया है 2-4 अनियंस मीडियम साइज के, चारों के चारों। हाँ मीडियम साइज, छोटा नहीं लेना है, मीडियम साइज के लेने हैं। चार अनियन,
दो पेस्ट करके हमने मैरिनेशन में डाला था और दो इस तरह से हमने स्लाइस करके डाला है। अभी मैं आलू डाल देती हूँ। हाँ अभी वो आलू डाल देंगे। हमने इसको भुना है अनियन डालने के लिए। जैसे ही भुना मतलब ऐसा नहीं है, जो जब देखा जाएगा जो मसाला पूरा तेल छूट गया और थोड़ा सूखा सूखा हो गया, ऐसा गीला जैसा नहीं है। हाँ तब तक आपको थोड़ा सा और पानी डालेंगी मॉम, ज्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि मटन भी अपना पानी छोड़ेगा। यू हैव टू एड वॉटर। हाँ पूरा कवर करना बेसिकली करके अभी आप कुकर में डाल लो। देखिए अभी ये पूरा का पूरा मटन जा रहा है प्रेशर कुकर के अंदर। नाउ शी इज गोइंग टू क्लोज द लेड एंड 3 सीटी देंगी ओवर हाई हीट। 3 सीटी हो जाने के बाद 20 मिनट्स सिम करके फिर 20 मिनट्स आपको रखना है। अभी एक बार बन जाए रेडी हो जाए फिर मैं आपको मिलूंगी। सो द मटन इज ऑलरेडी डन। 20 मिनट तक भी सिम पे रख के कुक हो चुका है। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्विक लुक। आई कांट टेल यू कितना अच्छा अच्छा स्मेल आ रहा है। तो इसमें मॉम डालेंगी गरम मसाला, होममेड गरम मसाला है ये, हाफ टी स्पून। दिस इज जस्ट दालचीनी, इलायची और क्लोव को अच्छे तरह से कूट लिया है, वही है, रोस्ट नहीं करना है ना, ना। और ये है ये धनिया पत्ती। अमेजिंग इट इज, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। करेला आलू एंड कुमरों की सब्जी। दिस इज चावल एंड दिस इज द मटन। सो हमने दोपहर का खाना खाना हो गया है। द मटन वॉज अमेजिंग, मतलब मैं लिवर मैंने खाया है एंड द करी वॉज सो गुड। जनरली मुझे मेरे मॉम के हाथ की मटन सबसे ज़्यादा पसंद है, बट दिस वॉज रियली गुड। फिर थोड़ा सा रेस्ट करने गए, सोलर इक्लिप्स था, अभी बज रहे हैं 6:30। तो हम उठे, मैंने डैड को चाय बना के दी और अभी क्या, अब और भी ज़्यादा खाना, मतलब यहाँ पे आते हैं तो ऑल वी हैव टू डू इज ईट, रिलैक्स, और बहुत ज़्यादा बातें होती है। तो अभी अरिंदम लाने गया है समोसा, सो फिर समोसा आएगा उसके बाद। मॉम को मेरे हाथ की चाय बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं चाय बनाऊंगी, फिर मैं और मॉम चाय पियेंगे। डैड ग्रीन टी पीते हैं तो उनको मैंने ग्रीन टी ऑलरेडी दे दी। तो अभी जो समोसा आने का वेट कर रहे हैं उसके बाद हम वो खाएंगे और पियेंगे। देयर इज नथिंग एल्स टू डू एक्चुअली। उसके बाद शायद तैयार हूँ कुछ दिवाली, मतलब तैयार हूँ कि नहीं पता नहीं, लेट्स सी। अब तक के लिए तो यही अपडेट है, विल कैच अप अ लिटिल लेटर। रात के बज रहे हैं 8 और हम जा रहे हैं बाहर थोड़ा सा घूमने। इट्स जस्ट मी एंड अरिंदम, मॉम डैड नहीं जाएंगे। तो हमने चाय भी पी लिया, समोसे भी खा लिए। समोसे वो इतने भी अच्छे नहीं थे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा घूम के आएंगे, देयर इज स्वामी नारायण मंदिर, तो वो घूमेंगे। एंड ऑन द वे हम विल पिक अप डिनर फॉर मॉम एंड डैड, दैट इज गोइंग टू बी इडली और इडली डोसा, बेसिकली साउथ इंडियन, और हम भी वही खाएंगे। तो चलिए दैट इज द प्लान टिल नाउ, कम अलोंग और फिर वो मंदिर देख लेते हैं।
हेलो एवरीवन, तो अभी हम लोग हैं जीएनएफसी टाउनशिप में एंड यहाँ पे ये एक स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम। तो चलिए देखते हैं। This is a beautiful Swaminarayan Mandir. Most of the temples in Gujarat, they are beautiful when it comes to the architecture. Come, let's go ahead and take a closer look. रंगोली की तैयारी, बिकॉज इट्स न्यू ईयर, गुजराती न्यू ईयर टुमारो। सो आज रात पूरी मंदिर को डेकोरेट किया जाएगा विद रंगोली एंड लाइट्स। सो उसी की तैयारी चल रही है अभी। आई विश आई वॉज हियर टुमारो टू सी दिस। Right now we are just heading to grab some South Indian food for a dinner for all of us. So chaliye, let's go and grab some South Indian food. So hum lekar aa gaye hain South Indian food, like only idli और कुछ नहीं, बिकॉज वी हैव हैड मटन इन द आफ्टरनून एंड वी फील वेरी हैवी। तो अभी से इडली खाएंगे। लेट मी शो यू।
और चटनी है इसके साथ, मैं फटाफट से खाना खाऊंगी। आई एम वेरी टायर्ड, आई विल गो ऑफ टू स्लीप। मॉम शायद अभी वो भी बनाएगी, ठीक है वो मैं बाद में बताती हूँ। दिस इज माई डिनर फॉर टुनाइट, दैट्स इट।